Welcome to Learn Commerce PU Online Classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में सुना था कि ये जो है बड़े बेटी बड़े घर की बेटी जो कहानी का आधा भाग हो चुका है, तो वहाँ पे आपने देखा है कि मांस में घी ज़्यादा डालने की वजह से लाल बिहारी सिंह बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कड़ाऊ को लेके फेंक देता है। इससे आनंदी जो है सिर बचा लेती है, हाथों को सब मार लग जाता है, घाव हो जाता है और ये गुस्से के मारे और डर के मारे कांपते हुए अपने कमरे में जाके बैठती है। और आनंदी क्या है, बहुत क्रोध में रहती है, क्रोध को भी क्या है दबा कर बैठ जाती है। ये तो यहाँ तक आपको हुआ है। तो आगे देखिए, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, बृहस्पति को यह घटना हुई थी। तो क्या है, इसका पति जो है श्रीकंठ शनिवार दफ्तर में जाता है, ऑफिस में जाता था डेली, तो क्या है शनिवार वापस आता था, घर आया करता था, शनिवार उसके घर आया करता था। और बृहस्पति को यह गुरुवार यह जो है बृहस्पति को यह घटना हुई थी। और दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। तो बृहस्पति के दिन क्या हुआ, ये घटना हुई थी, शनिवार को श्रीकंठ आ गया था। तो ये इसके मुंह में, आनंदी के मुंह में अभी भी कोप या गुस्सा क्या था, वैसे के वैसे ही था, कोई चेंजेस नहीं हुआ था, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी भाट देखती रही, एक जैसे ही अपने पति का मुंह देखते रही, ना कुछ खाई ना कुछ पी थी, सिर्फ अपने पति का मुंह देखती रही थी। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। तो शनिवार आ गया तो जैसे कि सुबह सर उधर इधर घूमना, दोस्तों के पास बात करना या उधर कुछ जो ना कुछ विषय को कलेक्ट करना, ये सब हो रहा था। तो आते समय ही घर नहीं आते, उधर इधर के आसपास के लोग अथवा पड़ोसी के साथ बात करना, ये सब करता था और इसके संबंधी कुछ हालचाल पूछते रह जाता। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधी न रहती थी, श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। तो क्या है, हफ्ते में एक बार आता था, तो शनिवार को आता था, तो इनसे क्या है बातचीत हो रही थी, दोस्तों से लोगों से सबसे बातचीत करते करते रात के 10 बजे तक बात करने के लिए बैठ जाता था। इनसे पिंड छुड़ाना, ये क्या है मुहावरा, इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत मुश्किल रहता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। आते समय डायरेक्ट घर पे नहीं आया था, तो भी फिर भी क्या है उधर इधर के पड़ोसों से दोस्तों से मिलकर अपने पास आनंदी के पास आने तक, आनंदी के साथ मिलने तक 3 घंटे चल गए। किसी तरह भोजन का समय आया तो पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। रात का खाना खाने के लिए बैठे, भोजन खाने के लिए बैठे, तो भोजन खाते खाते श्री लाल बिहारी ही टॉपिक को निकालता है, ये विषय को निकालता है, भाई से कहता है अब भाभी को क्या है, भाभी को समझाइए कि बात करते समय मुंह खोल, दूसरों को जवाब देते समय थोड़ा मुंह संभाल कर, मुंह को कंट्रोल करके बात करने के लिए ये बोलिए, नहीं तो क्या है बहुत अनर्थ हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ खराब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी,
यहाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे, तो पाप भी रहते हैं खाना खाते समय। तो क्या है, बेनी माधव सिंह पिता कहता है कि ऐसे सब बहू बेटियों के झगड़े में सब रहता है, ये सब रहना, ये सब विचार सब कहाँ पे भी देखे, सास बहू, बहू बेटी, ये सब झगड़ा रहता ही रहता है। लेकिन यह मर्दों के विषय में ऐसा माहौल नहीं होता है। ऐसे बेनी माधव सिंह अपने बेटे लाल बिहार सिंह की सिंह को ही सपोर्ट देता है। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कुछ कोई कुर्मी कहार नहीं है, श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या है? तो लाल बिहारी सिंह कहता है, बड़े घर की बेटी होगी लेकिन हम किसी से भी कम नहीं है, हम भी तो है उतने बड़े पैसे वाले नहीं है, तो भी हमें क्या है, खाने पीने के लिए कुछ तकलीफ नहीं है, हम भी भीख मांग के नहीं खाते हैं, ऐसा अर्थ से उनने वो कहता है, लाल बिहारी कहते हैं। तो श्रीकंठ चिंतित स्वर से क्या हो गया होगा ऐसे सोचने के लिए कहते हैं, आखिर बात क्या हुई? तो पूछता है, क्या विषय क्या है, ऐसे कुछ बोलने के लिए क्या विषय है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही आप उलझ पड़ी, मैके के नाम सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। तो क्या है, ये कुछ भी नहीं बोली थी, उल्टा उल्टा ये लाल बिहार सिंह उल्टा बोलने लगता है कि मायके का नाम ना घर का बात करते समय वो क्या है सवार हो गई, ऐसे बोलने लगा। तो श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, तो क्या है रूम में थी आनंदी, तो भरी बैठी थी वो तो गुस्से में थी, भरी बैठी थी मतलब क्या, बहुत गुस्से में थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे, आनंदी ने कुछ चित्त तो प्रसन्न है, बहुत सोचते सोचते रूम में अपने अकेले बैठी थी, आनंद भरे गुस्से से बैठी थी। ये श्रीकंठ अपने कमरे में उसके कमरे में जाता है, श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? तुम्हें यहाँ तब तक बहुत खुशी में था, प्रसन्न में था, बहुत खुशी में था, हमारा फैमिली, हमारा घर, हमारे सब काम काज, आप बड़े घर की भी बेटी हो तो भी फिर भी क्या है अच्छा माहौल को समझकर आप क्या है घर चलाते आती थी, आजकल क्या है आपके बारे में ये क्या उपद्रव बात मचा रही रखा है, क्या मैं सुनने में ऐसे लगता है, पूछ रहा है। आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पांव मुंह झुलस दो। तो क्या है ये सब बोर्ड देते हैं, क्योंकि जो गुस्से में हमें गुस्सा आ जाता है तो हमारा मुंह, फेस, क्या है आंखें, सब कुछ चेंजेस हो जाता है, गुस्से से हमारा वॉइस भी, स्वर भी आगे बढ़ जाता है, और क्या चेंजेस हो जाता है, हमें बोलने का स्टाइल भी अलग हो जाता है। तो ये क्या कहती है, गुस्से के मारे आवाज सब चेंज करके, जैसे झुलझलाहट तो गुस्से से, क्रोध से बदन को ज्वाल के जैसे गर्म करते हुए, तो क्या कहती है, जिसने तुम्हें कहा है उनसे ही जाके पूछिए। श्रीकंठ, इतनी न गर्म क्यों होती है, बात तो क्या है, तो क्यों इतना गुस्सा क्यों करती है, इतना गर्म क्यों बात कर रही है, पूछता है आनंदी। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, मेरे नसीब का फेर है, नसीब की बात है, नहीं तो गंवार छोकर छोकरा जिसके चपरागिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे कड़ाव से मार कर यूं ना अकड़ता। तो क्या है लाल बिहारी को कहता है, कहती है, नहीं तो गंवार छोकरा, ये मामूली सा लड़का, और क्या है जिसको क्या है चपरासी गरी करने का भी, चपरासी गर वॉचमैन का भी काम करने के लिए इसे काबिलियत नहीं है, क्या है ऐसे वाला मुझे कड़ाव से मारता है, ऐसे मामूली लड़का, ऐसे जो चपरासी का काम करने वाला लड़का मुझे कड़ाव से मार रहा है। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या है ऐसे वैसे बोलेंगे तो ये वॉचमैन का काम करने वाला, वॉचमैन का काम करने के लिए लायक नहीं है, वैसे वाला गंवार या कुछ भी फायदे का नहीं है ये लड़का, वैसे वाला कड़ाव से मारना मतलब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बात क्या हुआ है ये विस्तार से बताओ, ऐसे कहता है श्रीकंठ। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने के लिए कहा तो घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था,
वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठे बेटा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे न रह गया। तो ये क्या है, इतना खाली इतना विषय था। इसके लिए मेरे घर वालों के बारे में, मायके के बारे में, माँ के घर के बारे में कुछ कुछ बोलने लगा, मुझसे न रह गया। सुनने के लिए मुझे पेशेंस नहीं था, इतना गुस्सा आ गया था। तो मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो ना ही खा कर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। तो क्या है, नाई खाकर हजाम भी नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है, भी ये ना खाता ही नहीं है। वैसे नदी बहती है कहा था, इसके लिए वो वहाँ पे उतना खर्चा भी नहीं करते, उतना बह कर भी नहीं जाता है। ये वहाँ मेरे मायके के घर में इतनी नदी बहती है घी की, ऐसे बोला था। इसके लिए वहाँ के विषय में, माँ के घर के विषय में इसने घी के बारे में कहते हुए कहा था, किसी को जान भी नहीं पड़ता कि वहाँ वैसे ऐसा माहौल भी नहीं कि कुछ भी खत्म हो गया, कुछ भी है गया, खाली हो गया, कुछ भी हो गया तो क्या है, ला ला के डालते थे। क्योंकि वो बहुत सारे पैसेदार थे और रिच मैन थे, बहुत कुछ था। कुछ खत्म हो गया तो भी फिर से आ गया तो भी किसी को भी नहीं मालूम पड़ता था, वैसा माहौल था हमारे घर में। यह उसकी पत्नी कहती है, बस इतनी सी बात पर अन्यायी ने मुझ पर कड़ाऊ फेंक मारी। तो क्या है, मुझे मेरे ऊपर गुस्से से कड़ाव में मार दिया, यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। मैंने जो भी कुछ बोल रही हूँ आज, उसके से जाके पूछिए। हमारे घर में इतना घी वो सब नहीं उपयोग करते हैं, ना इसके बारे में हिसाब किताब भी नहीं लगाते थे। ऐसे वो क्या है, मायके के उदाहरण देखे ऐसे मुझे गालियाँ देने लगा है। तो जाके अब जो मैं बोल रही हूँ, मुझे कड़ाऊ लेकर फेंक दिया। मैंने हाथ को ऐसे रोका, नहीं तो मेरा सिर भी क्या होता, फट जाता था। तो अगर मेरी बात झूठ हो तो जाके अपने लाडले भाई से जाके पूछिए, कहती है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। आंखें लाल हो जाना मतलब क्या है, ये जो है मुहावरा, बहुत लाल हो जाना, गुस्सा करना, बहुत गुस्सा आ गया बात सुन के। तो क्या है, आंखें लाल हो गए और उसके बाद क्या करता है उसने, और इस छोकरे का यह साहस, बोलने लगा, इस लड़का छोकरा मतलब क्या है बालक या लड़के का इस प्रकार का व्यवहार, इस तरह का काम जब मैं नहीं था इस प्रकार का व्यवहार करता, इतना साहस है इसमें, ऐसे बोलता है आनंदी। स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी। तो आनंदी को क्या है, बोलते समय रोना भी आ गया, दुख भी पहुंचाया, तो क्या है, रोने लगता है। सहज रूप से लड़कियां जल्दी रोने चालू करते हैं, तो ये भी इसके बहुत दिल में दुख होने लगा था, इसके लिए ये क्या है, रोना प्रारंभ करती है। इसके लिए प्रेमचंद्र जी कहते हैं, स्त्रियों को ये स्वभाव के अनुसार रोते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा माहौल होगा, थोड़ा सा रहेगा विषय, इसके लिए रोना जल्दी आ जाता है, तो स्वभाव के अनुसार रोने लगती है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। लड़कियां जल्दी रोती है और स्त्रियां जो क्या है, जल्दी रोना भी आ जाता है, आंखों के पलकों में ही आंसू रहते हैं इनके, जो है प्रेमचंद्र कहते हैं यहाँ पे। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। धैर्यवान था और शांत, बहुत काम पर्सन था। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोध भड़काने में तेल का काम देते हैं। तो क्या है, श्रीकंठ बहुत काम, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही कुछ भी रहेगा उसको क्या, शांत स्वभाव से ये करता था और धैर्यवान भी था। लेकिन ये जो आनंदी का रोना देख के उसको क्या हो गया, बहुत क्रोधाग्नि हो गए। क्रोधाग्नि मतलब क्या है, अंगार में घी ज्यादा डालेंगे तो घी अंगार क्या होता है, और ज्यादा अंगार हो जाता, वैसे हो गया और वैसे हो गया था। तो क्या है, श्रीकंठ को बहुत गुस्सा नहीं आता था, बहुत ही शांत स्वभाव का था। प्रातः रात भर करवटे बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं चपकी। तो ये बात सुनकर तो रात भर इसे नींद नहीं आया था, सोता था, करवटे बदल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे ही सोचा था, सोते रहता था, नींद बिल्कुल नहीं आई थी। तो क्या है,
तो वेट कर रहा था, तो क्या सुबह कब होता है, आंख पलक भी नहीं मूछने के लिए मन हो जाता था, क्योंकि ये विचार सबसे बताना था, पूछताछ करना था, रात भर में अभी क्या है झगड़ा करना सही नहीं, इसके लिए क्या करता है, रात होने दो सुबह हम बात करेंगे, इसके लिए वो वेट कर रहा था, रात भर सोया नहीं है, उधर से इधर फिरते रहा था, पलक भी आंखें भी नहीं मूछ रहा था, तो सुबह के वेट करते रहता था, सुबह होने तक वो क्या है देख रहा था। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा आप इस घर में मेरा निभा ना होगा, तो कहता है अपने बाप से जाके मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तो इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था। जब कभी उसे गुस्सा आ जाता है, गुस्सा ही नहीं आता है, लेकिन आ गया तो क्या है अपने मित्रों को भी ये गुस्से के मारे मारपीट कर देता था, ऐसे वाला ये पुरुष था। लेकिन परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, जहाँ भी झगड़ा हो जाता था, जहाँ पे भी कुछ ना कुछ रहता था प्रॉब्लम, तो क्या है श्रीकंठ ही जाके क्या है सुलझाते थे, और क्या है शांत स्वभाव से उन्हें समझाते थे, झगड़े को सुलझाते थे, और दोनों को क्या करते थे एक कर देते थे। ऐसा व्यक्ति था श्रीकंठ, बहुत ही समझदार व्यक्ति था, और क्या है पढ़ाई लिखाई वाला व्यक्ति था, तो इसलिए कहते हैं कि किधर भी जाएगा, कहाँ पे भी जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, समस्या रहेगा, वहाँ पे समझा प्रॉब्लम को क्या करता था सुलझा कर आने वाला ये पुरुष था। तो दूसरों को दशा उपदेश देना भी कितना सहज था, दूसरों को भी समझाता था, उपदेश भी देता था, क्या है सलाह भी देता था, ऐसा पुरुष था। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों अलग बैठना, रातों की सुबह होते समय क्यों डिसीजन चेंज हो गया, इसके लिए हैरानी की बात है ना, सहज रूप से रात भर खाना खा के बातचीत होके सो गए थे, सुबह सड़न मैं अलग बैठना चाहता हूँ, इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ कहते समय किसी को भी ऐसे क्या है शॉक हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में आप अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है, तो क्या है मेरी भी एक स्टेटस रहता है, मेरा भी एक प्रतिष्ठा क्या है अरमान रहता है, मुझे भी क्या है मेरा भी एक डिग्निटी रहता है, तो क्या है ये सब यहाँ पे नहीं हो रहा है, मेरे को मैं जब मैं नहीं रहता हूँ तभी क्या है अन्याय होते जाता है, मतलब आपके घर में आप अन्याय और हट का प्रयोग होते जा रहा है, आपके घर में ऐसा हो रहा है, मेरे पीछे पीछे हो रहा है, जब मैं रहता हूँ कुछ नहीं है, जब मैं नहीं रहता हूँ ये सब हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं, तो क्या है किसको इज्जत देना है, किसको रेस्पेक्ट देना है, किसको क्या है किस प्रकार व्यवहार करना है, किससे किस प्रकार बात करना है, किसी नहीं आता है उन लोगों को क्या है आप क्या करते हैं सिर पर चढ़ा के बैठा है, बहुत ही लाड़ प्यार से पाले हैं, ऐसे कहता है। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर कड़ाऊ और जूतों की बहुजूरों होती है, कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले तो वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम नार मारूं, तो क्या है मैं अगर रहूंगा तो क्या है तो कुछ भी नहीं रहता है, अगर नहीं रहूंगा तो स्त्रियों पर कड़ाऊ मारना, जूते फेंकना, ये सब करना, स्त्रियां मतलब क्या है दूसरे कोई नहीं इसकी ही बीबी थे, ऐसा हो रहा है तो मैं इसे अन्याय को सह नहीं सकता हूँ, तो क्या है पीछे पीछे ही ये सब हो रहा है, मेरे आगे आगे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे माहौल में मैं रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम ना मारूं, ऐसे मुसीबत के ऊपर मुसीबत आते रहा तो मैं मुंह बंद करके नहीं रह सकता, आंखें मूंछ के मैं नहीं बैठ सकता, मुंह बंद करके नहीं बैठ सकता, तो ये इसका अर्थ है, कितना भी लात घूसे पड़े कितना भी मारपीट हो जाए मैं आंखें बंद करके मुंह बंद करके बैठने वाला मैं पुरुष नहीं हूँ, कहता है।
बेनी माधव सिंह कहते हैं कुछ जवाब ना दे सके, श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। ये बेनी माधव को ये क्या कहता है कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आंसर उत्तर देने के लिए भी इसे सोचना पड़ता है क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है विषय ही पता नहीं। लेकिन श्रीकंठ को कभी देखो तभी क्या करता था, सम्मान के रूप में देखता था, आदर के रूप में देखता, बहुत इज्जत करते थे, गौरव से देखते थे, बातचीत करते थे अपने बड़े बेटे के साथ बेनी माधव सिंह। आज ऐसा बोलते समय कुछ भी आवाज नहीं निकलता है, बात ही नहीं कर रहे, तो उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, तो केवल इतना ही कहते हैं, तू तो चालाक है, होशियार है, तो क्या है समझदार है, होने पर भी ऐसे बातें कर रहा है ना। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। तो स्त्रियां क्या करती है तो घर को बर्बाद करने में ही देखती है, तो क्या है तेरी बीवी होके रहेंगी लेकिन क्या है घर को माहौल तोड़ देती है, घर को बर्बाद करती है। तो क्या है अपनी स्त्री हो, स्त्री को स्त्री ही के, अपनी पत्नी को पत्नी की जगह ही रखना है, उसको क्या है सिर के ऊपर रख के बिठाना नहीं चाहिए कभी भी। तो क्या है कहाँ रहना है वहीं पर रहेगी तो ही अच्छा है, इतना कहता है श्रीकंठ। इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से, ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। तो क्या है मुझे मालूम है या स्त्री या पत्नी को कहाँ पे रखना है, किस दर्जे में देखना है, कहाँ कैसे व्यवहार करना है, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, आपको भी पता है लेकिन मुझे भी मालूम है। लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गाँव में कई घर संभाल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उदारता ताहूं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। तो आपको मालूम है मैं कितने जगह जाके पंचायत राज किया है, पंचायत में भी जाके ही और ऐसे ही मामूली घरों में जाके ही कितने झगड़े हो चुके हैं, उन सबको मैं सुलझाया हूँ, संभाल के चलाया हूँ और उनके सबके माहौल को मैं कम करके आया हूँ, बहुत अच्छा व्यवहार करने के लिए मैं सलाह भी दे चुका हूँ, ये सब आपको मालूम है। तो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में सब कुछ मैं क्या कैसा आदमी हूँ आपको पता है, मगर मुझे ईश्वर के दरबार में उदारता हूँ, मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ, मुझे भगवान ने ऐसे मुझे ताकतमंद कौशल्य दिया है कि एक बिगड़ता हुआ तो संसार को मैं जुड़ा के भी आया हूँ। तो क्या है मारने पीटने में भी मैं कुछ नहीं, समझाने के इसमें भी मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लाल बिहारी को अभद्र व्यवहार के लिए मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार यहाँ पे कहते हैं अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। तो अन्याय भी हो रहा है, पशुओं के जैसे व्यवहार करने वाले, इंसान इंसान के टाइप में व्यवहार नहीं करेगा तो क्या है वो पशु के समान बन जाता है, व्यक्ति व्यक्ति के तरह ही रहना चाहिए नहीं तो क्या है पशु के समान हो जाता है। इसके लिए या मैं अन्याय और पशुवत के तरीके से व्यवहार करने वालों के लिए कहता हूँ, जंगली जानवरों के जैसे व्यवहार करने वालों के लिए मैं कहता हूँ कि आप सच मानिए या मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। तो क्या है मेरा भाई है लेकिन मेरा ही खून है, लेकिन मेरे घर के अंदर का माहौल है, दुनिया के लोगों का माहौल या दुनिया का खराबी को मैं क्या करता हूँ अच्छी तरह करते जा रहा हूँ, अब जो मेरे घर का ही समस्या आ गया है इसके लिए मैं क्या हूँ शर्मिंदा हूँ, मैं ही शर्मिंदा हूँ, लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता, लाल बिहारी कुछ नहीं बोलता। क्योंकि श्रीकंठ जाके घरों घरों में जो समस्या रहती थी उसको सुधारता था, अब मेरे घर में ही आएगा तो कौन आएगा सुलझाने के लिए समझाने के लिए, तो इसके लिए मैं लाल बिहारी को दंड नहीं देता। तो कहता है बेनी माधव सिंह भी गरमाए ऐसी बातें और न सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है तो उससे जब कभी भूल चुक चुक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन तो क्या है आप तो बड़े भाई है तो वो छोटा भाई है, अगर वो कुछ भी गलती करेगा तो उसके लिए मारने के लिए भी आपको राइट से, और क्या है कुछ भी करेगा तो कान पकड़ के खींचने के लिए भी आपको क्या है आप बड़े हैं आपको राइट से। लेकिन इसे विषय क्या है पता नहीं चलता है बेनी माधव सिंह को, श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं का आप अपना भाई नहीं समझता, तो मेरा भाई बराबर है लेकिन आपसे मैं मेरा भाई नहीं समझता बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। तो क्या है श्रीकंठ जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण
तो बेनी माधोसी कहता है, आज पहले तू तेरा भाई समझते आ रहा था, लेकिन अब क्या है, तो स्त्री के पीछे पीछे जा रहा है, तो पत्नी के पीछे पीछे रहने, पत्नी के पल्लों के अंदर से रहने की वजह से तू मानता नहीं है, तू है अपने भाई पर क्या है खराब हो गया है, भाई पर गुस्सा कर रहा है। श्रीकंठ, मैं स्त्री के पल्लों में या क्या है स्त्री के पीछे पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो क्या है उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण, मेरे भाई जो कर रहा है अन्याय क्रूरता या जानवर जैसा व्यवहार करता है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो दोनों कुछ देर चुप रहे, तो क्या है यहाँ पे बाप बेटा दोनों चुपचाप रहते हैं, सोचते हैं ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, बेनी माधव सिंह बहुत क्या है ठाकुर साहब मतलब बेनी माधव सिंह इनका जो है गुस्सा ठंडा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। किसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे, तो क्या है प्रॉब्लम सुलझाना चाहते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, तभी गांव के थोड़े लोग सज्जन लोग अच्छे बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे व्यक्ति लोग वहां पे क्या है हुक्का और चिलम लेके स्मोकिंग करते करते चिलम मतलब स्मोकिंग करते करते उनके घर आ जाते हैं। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, तो क्या है तो वहां पे आवाज क्या पिता के साथ लड़ रहा है सुनने में आ गया, इसके लिए वो सब इधर आ रहे हैं ऐसे मालूम हो गया। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों को वाणियां सुनने के लिए उनके आत्मा तिल मिलाने लगी, तो क्या है दोनों के बातचीत हो रही थी, इतना जोर हो रहा था कि आजू बाजू में सुनने के लिए मिलता था, तो क्या है तो क्या विषय है और श्रीकंठ अपनी पत्नी के विषय में ही अपने पिता से लड़ रहा है ऐसे विषय उधर इधर सज्जन थोड़े लोगों को पता चला, सज्जन लोगों को पता चलता है वो लोग सीधा बेनी माधव सिंह के घर चले आ जाते हैं और क्या है तिल मिल हो गए हैं, सब तिल मिलने मिलाने लगे। ये जो है मुहावरा है बौखला जाना मतलब क्या है वहां पे शामिल हो गए, क्या है विषय क्या है क्या हो रहा है यहाँ पे। देख कभी भी हमारे घर में कुछ ना कुछ हो गया तो बातचीत हो गया झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो गया तो पड़ोस के लोग आते हैं और देखते हैं, दुख भी है दुख का माहौल रहेगा तो दुखी रहेंगे, तो कभी कभी थोड़े लोगों को दुख हो जाता है, थोड़े लोग क्या कहते हैं दुख रहेगा तो अच्छा हुआ ऐसा ही होना चाहिए था ऐसे सोचते हैं, तो थोड़े लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, है ना, थोड़े लोग सुझाव देते हैं और कुछ ना कुछ रहेगा राय तो बताते हैं। यहाँ पे देखने के लिए सज्जन लोग आते हैं, गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे, और मैंने कहा था थोड़े लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, थोड़े लोग क्या है राय देने के लिए भी आते, वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दबूत है, तो क्या है हर बार श्रीकंठ अच्छा लड़का है अपने बाप का सम्मान करता है गौरव की दृष्टि से देखता है, सबके मुंह में श्रीकंठ के बारे में बहुत ही अच्छे विचार निकलते थे, और उसने विद्या पढ़ी और इसलिए वह किताबों का कीड़ा है कि बहुत सारा नॉलेज है पढ़ चुका है, किताबों का कीड़ा मतलब क्या है बहुत सारा नॉलेज है बहुत अकल वाला है ये है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, अगर कुछ जो कुछ भी करना है तो राय लेके सजेशन लेके सलाह लेके ही बेनी माधव सिंह अपने बेटे से पूछताछ करके विषय को ही पूछताछ करके विषय के बारे में ये करके अगला कदम रखने वाले थे, और क्या है यह उनकी मूर्खता है, तो लोग सज्जन सोचते हैं कि पूरे विषय के लिए पूरा घर का कारोबार के लिए कुछ ना कुछ विचार के लिए ये क्या श्रीकंठ से ही पूछ के ही आगे बढ़ते थे, ये उनका मूर्ख है क्या है मूर्खता मतलब उल्लू बनाता था, तो क्या है इन महान भावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी, कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया, तो क्या है तो कुछ ना कुछ रीजन लेके क्या वहां पे उनके घर पे दाखिल हो गए, क्योंकि इनका घर का तमाशा देखना चाहते थे क्या हो रहा है घर में ये देखने के लिए वहां पे आ बैठे हैं। बेनी माधव सिंह
पुराने आदमी थे, तो बहुत ओल्ड मैन था, पर्सन थे, इन भावों को ताड़ गए। ये सब उन्हें जिंदगी में, जीवन में हो चुका था पहले से ही, ये कुछ नया विषय नहीं था, पूरा हो चुका था, बहुत उम्र हो गई है ना, तो इसके लिए क्या क्या ये सब विषय उन्हें, ये नया विषय नहीं है, तो इसके लिए वो केयरलेस में सीधे साधे नॉर्मल पर्सन के से रहते। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, आप तो लड़के से अपराध हो गया। तो क्या है, यहाँ पे आके बैठे हैं सज्जन लोग, तो तमाशा देखने के लिए भी आए हैं, तो क्या है, अच्छा हो गया तो भी क्या है, तालियां बजेगी बुरा लगेगा तो भी, बुरा हो गया तो भी क्या, हंसने वाले ही रहेंगे, तालियां बजाने वाले ही रहेंगे, इसके लिए ये क्या है, तुरंत कह देता है जो कुछ भी करना है कर दे, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया, जो भी करना है कर, मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ तेरे भाई के लिए, अगर उसे दंड देना है तो दंड दो, और क्या है, अपराध या गलती की है तेरा लाल बिहारी सिंह ने, गलती की अपने भाई है, इस माहौल से क्या है, अपराध करने वालों को क्षमा करना है, इसके लिए अपराध के लिए कुछ भी दंड देगा तो मैं सह सकता हूँ। बेनी माधव कहता है, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। तो क्या है, ये गलती की है, छोटा है आपसे, इसके लिए उसे कुछ भी करे बड़े होकर क्षमा करो। तो क्या है, वो मूर्ख है, इसे समझकर क्या करना है, आप तो बुद्धिमान है, तो वो क्या है, बुद्धिहीन भी होगा, तो क्या है, मूर्खों की बातों पर जैसे जो बोलते हैं, जो कुछ भी गलती करते हैं उसे में माफ करो, हम भी जो मूर्ख के जैसा नहीं बनना चाहेंगे। बेनी माधव पिता क्या समझाता है, श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, ये दुष्ट काम को मैं कभी नहीं माफ नहीं कर सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही, आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा, यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे चाहिए, उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, अगर वो आपका लाडला है तो उसे रख दो, नहीं है तो मैं यहाँ से घर से चला जाता हूँ, विदा हो जाता हूँ, मैं अपनी पत्नी और मेरा भार संभाल लूंगा, यही मेरा अंतिम निश्चय है, मैं इसमें कुछ एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर पहुंच चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था, वह उनका बहुत आदर करता था, उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चार पाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। तो क्या है, छोटा भाई इतना डरता था, इतना रेस्पेक्ट देता था कि उसके सामने बैठने के लिए भी बैठता नहीं था, और हुक्का या सिगरेट या कुछ भी पीने के लिए भी उसे हिम्मत ना था, या पान भी नहीं खाता था उसके सामने, इतना डरता था, इतना उसे रेस्पेक्ट करता था। तो दरवाजे के बाहर ये जो बातचीत हो रही है, बाप बेटे बात सुनते बाहर खड़ा है, बाप का भी वह इतना मान न करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, बाप को भी इतना वो डरता नहीं था, तो क्या श्रीकंठ को बहुत इज्जत से देखता था, और अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुटका तक ना था, डराया भी नहीं था, कुछ मारा भी नहीं था, इतने प्यार से था कि वो डरता था बहुत, उसे बहुत इज्जत देता था, उसके सामने कुछ भी गलतियां नहीं करता था लाल बिहारी सिंह। सो ऐसा मौका नहीं आया था कि मार पीट कर या उसे गालियां देकर उसे वहां पे अकल की बात बोलने के रास्ता ही नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते, तो ये कहाँ पे रहता था, इलाहाबाद में काम करता था, शनिवार को आते समय कुछ ना कुछ लेके आता था भाई के कार पर, मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने भी बनवा दी थी, पिछले साल जब उसने अपने से डायोडे जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने कुलकित होकर उखाड़े ही जाकर उसे गले से लगा लिया, 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। जब वो ये जो
पिछले साल में जो है डायडे जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल हो रहा था, तब क्या है पछाड़ से तो क्या है चिप कर बैठा था, तो क्या हुआ उन्होंने जाके उसे पकड़ कर चोरी छुपे खेल खेलते है ना, जो भाई आया है मालूम नहीं पड़ना चाहिए ऐसे में ऐसे रहते समय उन्होंने जाके उसको पकड़ के और उसे 5 रुपए का लौटा दिए थे। खेल कुछ भी चाहिए तो ये जो है प्रोग्राम था नाग पंचमी के दिन उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए मन चाहे थे इसके लिए 5 रुपए दे दिए थे तो खाने के लिए, तो क्या है ऐसा भी लाडकार बहुत था उन दोनों के बीच में। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विद्राक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गली हुई, बहुत दुख हो रहा है आज इतने प्यासे थे भाई मुझे खाने के लिए किधर जाए किधर लेके जाता था कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहेगा पैसे दे के उसके मन पसंद लेने के लिए भी क्या है बहुत इच्छा दे देता था पैसा। तो आज ऐसे ऐसे व्यक्ति मुझे ऐसा बोल रहा है मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है और गले से और वह फूट फूट कर रोने लगा और इससे संदेह नहीं कि ये पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। आने से भले भाई आने बोलने के लिए बोल चुका है बाबा के लिए इतना गालियां ये कड़ा उसा फेंका है सब कुछ किया है लेकिन भाई के सामने वो कुछ भी नहीं था डरता था तो भाई आने दिल धड़कते रहता था और क्या है भाई को कैसे मैं मुंह दिखाऊं ऐसे ये भी सोचते रहता था लेकिन आज अपना भाई ऐसे बोल रहा है तो बहुत उसे दुख हो रहा है। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा उनसे कैसे बोलूंगा मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे मेरे से गलती हो गई तो लेकिन मुझे ऐसा सजा नहीं देंगे बुला के मुझे समझा देंगे मैंने ऐसे सोचा था। कौन सोचता है लाल बिहारी सिंह रोते रोते अपने दिल में सोचता है भाई बुला के मुझे क्या है सब कुछ समझा के बोलेंगे बड़ों से करना ऐसे बोलेंगे लेकिन आज ना मैं तो रहना है नहीं तो आप रहना है मैं मेरी पत्नी को लेके किधर भी जा सकता हूँ और मैं अपना व्यवहार कह रहे हैं। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें विद्रयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं ये सब बड़ा फैसला लेके क्या है मुझे अन्याय में डाल रहे हैं बहुत बड़ा फैसला भैया ने लिया है इसे बहुत दिल में दुख हो रहा है। यदि श्रीकंठ से अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे होता। पर भाई का यह कहना कि मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से कहा नहीं गया अगर बुला के गालियां देगा तो 3 मार भी देगी तो नहीं था लेकिन छोटे से बड़े हो गए हम लोग साथ बहुत सम्मान करता और भाई भी मुझसे बहुत प्यार से देखता था मुझे प्यार उतना और आज उनके मुंह से मैं ये सुन रहा हूँ मेरा शक्ल मेरा सूरत तक देखने के लिए तैयार नहीं ये बहुत मुझे दुख हो रहा है। लाल बिहारी से सहा ना गया वह रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोंछी और जिससे कोई यह ना समझे कि रोता था तो क्या है सीधा अपने रूम में आ जाता है और क्या है आंखों में जो पानी है उसको सब निकाल देता है अपने पहने का और क्या है जिससे किसी कोई को भी किसी भी जिसमें कोई यह ना समझे कि वो रो रहा है ऐसे व्यवहार कर रहा था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अपनी भाभी से कहता है अगर उसने अपने पिता जैसे क्या क्या, क्या कहा सब भाभी से आके कहता है भाई बोल रहा है मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए आप मैं जाता हूँ उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। भाभी से आके बोलता है मेरा मुंह नहीं देखने के लिए तैयार है इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो कुछ भी मैंने गलती किया अपराध किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ मेरी जो गलती के लिए क्षमा कर दो मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ उसे क्षमा करना। कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया क्या है
बहुत दुख हो जाता है, मुंह में बात करने के लिए आवाज ही नहीं निकलता है, ऐसे हालत हो जाता है। इतना ही है, इतने तक आप याद रखिए क्या क्या हो गया, और इसका एंड अंतिम भाग है, बचा हुआ है अंतिम भाग को हम अभी देखेंगे। धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.